सभी को नमस्ते। मैं आज बहुत खुश हूँ आज की परफॉर्मेंस में। और सबको जानते हैं कि प्लेयर के साथ कुछ न कुछ होते रहते हैं, तो मैं काफ़ी इंजुरी और का बहुत सारी चीज़ मैं फेस कर रही थी। सबको पता है रियो में मेरा फर्स्ट ओलंपिक थी, उसमें मुझे क्या हुआ था, कैसा मिस हो गई थी मेरा मेडल हाथ से। तो ऐसे ही हर प्लेयर्स के साथ किस्मत होते हैं कि कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, रियो में फेल हुआ था मेडल हाथ से होते होते, पर उसके बाद मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनी। और उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में मैंने इंडिया के लिए सिल्वर मेडल पहली बार दिया था। पूरा कोशिश की थी मेरी तरफ से, इस बार भी मैं पूरा मेरी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देके इंडिया के लिए मेडल जीतने के लिए फिर से। पर काफ़ी इंजुरी भी हुआ था, सबको पता है एशियन गेम्स में मेरा क्या हाल हो गई थी। मैं इंजुरी में 4-5 मंथ्स पूरा रिहैब में चले गई थी, बहुत कम टाइमिंग थी मेरे पास इंजुरी को रिकवर करने के लिए। पर मेरी तरफ से मैं पूरा और मेरे कोच की तरफ पूरा मेरे वेटिंग फैमिली की तरफ से मैं कोशिश किया थी कि इस बार भी अच्छा परफॉर्मेंस है कि मैं इंडिया के लिए मेडल देने के लिए, पर मेरा किस्मत में नहीं था। आज सबके साथ होते हैं, हर प्लेयर के साथ कुछ ना कुछ तो होते रहते हैं। तो आज मेरा किस्मत भी ख़राब थी और फीमेल सब प्रॉब्लम भी थी। आज मेरा थर्ड डे है, लास्ट ओलंपिक में भी मेरा सेकेंड डे था, आज थर्ड डे है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा बॉडी में फ़र्क तो पड़ती है, पर मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश किया था कि एक मेडल तो जीतने के लिए, पर मेरा हाथ से निकल गई। मेरा किस्मत में आज नहीं था ये मेडल जीतना, हारना ये हमारी साथ रहते हैं और किस्मत में रहते हैं। तो मैं पूरा कोशिश किया ये परफॉर्मेंस में, मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं पूरा कोशिश करूँगी इंडिया के लिए मेडल जीतने के लिए, देने के लिए। और मेरी तरफ से मैं हर टाइम कोशिश करते रहूँगी, बस इस बार मैं मेडल नहीं ले पाई। इसके लिए सबको माफ़ मांगना चाहती हूँ कि मैं मेडल नहीं दे पाया, पर मैं आने वाली हर कॉम्पिटिशन में इससे भी ज़्यादा और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मेरी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी।